मित्रों नमस्कार, सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। आपकी सेवा में मैं वैद्य जेपी, आज डायबिटीज़ मुक्त भारत पार्ट 3 में आपको एक आयुर्वेदिक औषध के बारे में बता रहा हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक नुस्खा है, इसको आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। सारे द्रव्य जो है आपको मार्केट में मिल जाएंगे आसानी से। सबसे पहले मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि अपना शुगर लेवल प्रत्येक 10 से 15 दिन के अंदर जरूर चेक कराते रहें, ताकि आपको मालूम होता रहे कि औषध का क्या प्रभाव आपके शरीर पर पड़ रहा है। यदि आप एलोपैथिक दवा ले रहे हैं तो उसे बंद ना करें, और आयुर्वेदिक दवा लेते हुए जैसे जैसे आपका शुगर लेवल नीचे आता जाए, आप एलोपैथिक दवा की मात्रा धीरे धीरे कम करते जाएँ, और जब आप देखें कि आपका शुगर लेवल नियंत्रण में है तो एलोपैथिक दवा आप बंद भी कर सकते हैं। अब नोट कीजिए, ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले गुड़मार पत्ती 100 ग्राम लेनी है, नीम का बीज 100 ग्राम लेना है, जामुन का बीज 100 ग्राम लेना है, चिरायता 50 ग्राम लेना है, मेथी का बीज 50 ग्राम लेना है। इसमें आप ये देख लीजिए कि जब जामुन का सीजन होता है तो उस समय हम जामुन खाएँ खूब, और उसके बीज को संभाल कर रख लें, वो आपके इस औषध में काम आएगा। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। और नीम का बीज भी आप सीजन में इकट्ठा कर सकते हैं, नीम के नीचे बेकार में पड़ा रहता है सब। बाकी चीज़ें आप बाज़ार से ले सकते हैं। इन सबको कूट पीस करके बारीक चूर्ण बना लीजिए, और अंत में इसमें लोह भस्म 10 ग्राम, लोह भस्म 10 ग्राम मिलाने के पश्चात आप इसको एक टाइट शीशी में रख लीजिए। और फिर आपको लेना है डोडा पनीर मार्केट में आपको मिल जाता है, ये भी एक जड़ी बूटी है, बहुत छोटे छोटे से डोडे होते हैं। ये 300 ग्राम आपको लेना है, इसको साबुती आपको रखना है, और इसको प्रतिदिन 200 ml पानी में लगभग 15 पीस डाल करके भिगो के रख दीजिए 10-12 घंटे के लिए। जैसे रात में रखेंगे तो सुबह उसको आप मिक्सी में अच्छी तरह से घोट लीजिए और छान लीजिए, और छानने के बाद उसी पानी से जो ऊपर आपने दवा तैयार की है, पाउडर तैयार किया है, उसकी एक चम्मच लगभग 5 ग्राम मात्रा सुबह शाम लेनी है। डोडा पनीर को फिर सुबह आप भिगो कर रख दें, शाम को फिर उसको मसल के छान लें, और उसी पानी से फिर आपको शाम को वही ऊपर वाला जो पाउडर है वो लेना है। इस प्रकार आप नित्य प्रति इसको लेते रहें। यदि आप पार्ट 2 वाला जूस सुबह पीते हैं तो इसे केवल शाम को ले सकते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 हो टाइप 2 हो, दोनों में लाभ होगा। यदि आप तीनों पार्ट का पालन करते हैं तो निश्चित मानिए कि दोनों प्रकार की डायबिटीज़ में इसका लाभ मिलेगा। जिसका शुगर लेवल 200 mg परसेंटेज तक है, वे केवल इसी नुस्खे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहनों भाइयों, आप ये तीनों पार्ट का कठोरता से पालन कीजिए और इसका लाभ उठाइए, और देखिए कि आपकी शुगर लेवल किस प्रकार से कंट्रोल होती है, और आपको निरंतर लाभ आता चला जाएगा। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन अवश्य दबाइए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खे मैं आपको आप तक पहुंचाता रहूँगा इसी प्रकार से। धन्यवाद।